अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और कौन सी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमारे पास क्या है? द मीन एंड वेरियंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर, मीन क्या है? म्यू इक्वल्स टू एन पी, एंड वेरियंस इज यानी सिग्मा स्क्वेयर क्या है? एन पी क्यू इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास मीन एंड वेरियंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, जिसमें हमारे पास पी किस चीज़ की इक्वल है? पी इक्वल है के डिवाइडेड बाय एन, और क्यू हमारे पास इक्वल है एन माइनस के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, हमारे पास ये क्या हुआ? ये हमारे पास मीन एंड वेरियंस है बाइनोमियल ऑफ हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी करते हैं कि हमारे पास मीन एन पी के इक्वल आता है और वेरियंस जो है वो इसके इस टर्म के इक्वल आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रूफ देखें, प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अब देखिए, हमने सबसे पहले प्रूफ करना है कि हमारे पास जो मीन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास इक्वल है एन पी के, जिसमें पी हमारे पास आप देखें तो पी हमारे पास इक्वल है के डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, पी हमारे पास इक्वल है के बाय एन के। सो स्टूडेंट, मीन यानी जो म्यू है ये हमारे पास क्या होता है? सिंपली हम क्या कह सकते हैं, म्यू हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है कि नहीं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास मीन इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किस चीज की इक्वल है? तो आप देखें, हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल होगा समीशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और समीशन पे रेंज जो होगी वो स्टूडेंट हमारे पास जो हाइपरजोमेट्रिक की रेंज है वो यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो अप टू एन। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अब ये देखें स्टूडेंट, इसमें हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा? तो आप देखें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जो हाइपरजोमेट्रिक है इसका फंक्शन, हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास क्या फंक्शन था? के चूज एक्स ये स्टूडेंट हमारे पास है हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। तो ये फंक्शन हम जस्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं और हमारे पास जो है तो इस समीशन को सॉल्व करके हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। एफ की जगह हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, स्टूडेंट ये हमारे पास हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह उसका फंक्शन जो है वो पुट कर दिया। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास जो के चूज एक्स है, हम इसको इस टर्म को जो है तो ओपन कर लेते हैं। तो हम ओपन कैसे करेंगे स्टूडेंट? आप देखिए, के चूज एक्स यानी कॉम्बिनेशन हमारे पास कैसे ओपन होती है? k फैक्टोरियल, हम डायरेक्ट जो है तो k को k इंटू के माइनस वन तक, k फैक्टोरियल को हमने k माइनस वन k माइनस टू तक हम ओपन कर लेते हैं। k माइनस वन फैक्टोरियल तक हम इसको ओपन कर लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है कि x फैक्टोरियल इंटू k माइनस x फैक्टोरियल। सो जो x फैक्टोरियल है इसको भी हम जो है तो x माइनस वन तक ओपन कर लेते हैं, और इसके साथ होता है k माइनस x फैक्टोरियल। ये स्टूडेंट हमारे पास k चूज x इस टर्म को जो है तो हमने ओपन किया है। ठीक है, और जो इसके अलावा हमारे पास है उसको एज इट इज रहने देते हैं।
आप देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक्स जो है वो इस एक्स के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स एक्स के साथ कैंसिल होके हमारे पास क्या रह गया, के इंटू के माइनस वन, चूज एक्स माइनस वन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक्स इक्वल्स टू वन इसलिए आया क्योंकि एक एक्स जो है वो कट गया है, तो उस वजह से डिक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू जो है वो जीरो के बजाय वन से स्टार्ट होगी, ठीक है। और हमारे पास ये देखें तो के माइनस वन चूज एक्स माइनस वन हमारे पास कैसे आया है, तो ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर कर लें तो ये हमारे पास बन रहा है के माइनस वन चूज एक्स माइनस वन, यानी ये हमने कॉम्बिनेशन में इसको जो है तो बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इस तरीके से ये वाली इक्वेशन जो है वो आ गई हमारे पास। अब आप देखें इसे नेक्स्ट हमने क्या करना है, के माइनस ये जो एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन को हम पुट कर देते हैं वाई, बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हम डिटेल के साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप डिटेल में ये सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देखें जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास, उसमें हम डिटेल के साथ कर चुके हैं। यहाँ पे हम जो है तो डायरेक्ट रिजल्ट वगैरह पुट करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे वाई पुट कर देते हैं एक्स माइनस वन की जगह, तो जब एक्स माइनस वन को हम वाई पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो चेंजेस आएंगे, पहले तो हम ये वाला टर्म और डिवाइडेड बाय एन चूज एन को बाय निकाल देते हैं। जब हम y पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास चेंजेस आएंगी, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, अब देखें तो यहाँ से हमारे पास ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास एक रिजल्ट प्रूफ शुदा रिजल्ट हमारे पास है, उस रिजल्ट को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहले आप देखें कि डिवाइडेड बाय एन चूज एन, तो उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, ये देखें हमारे पास एक रिजल्ट है कि हमारे पास क्या होता है समीशन, ये हमारे पास ये इक्वल होता है ए प्लस बी चूज एम, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे के माइनस वन एज अ ए अगर हम कंसिडर कर लें और बी जो है वो हमारे पास बी की वैल्यू हो गई एन माइनस के, तो जो जे हमारे पास है वो देखिए वाई है, और ये जहाँ पे एम लिखा है वो हमारे पास हो गया एन माइनस स्मॉल एन माइनस वन। तो अगर हम इनको कंसिडर कर लें ये, तो ये जो रिजल्ट हमारे पास है इस रिजल्ट को यूज करके हमारे पास क्या आएगा, ये देखें के माइनस वन प्लस एन माइनस के हम करेंगे तो के साथ कैंसिल होके हमें रिजल्ट मिलेगा एन माइनस वन चूज एन माइनस वन, यानी जे की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट क्या करना है, आप इसको ओपन करें और डिवाइडेड बाय एन माइनस एन को भी ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, इस वाले टर्म को जब हम ओपन करेंगे तो आप देखिए हमारे पास क्या आएगा एन कैपिटल एन फैक्टोरियल, जिसको मैं ओपन करती हूँ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल तक, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा स्मॉल एन फैक्टोरियल इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन फैक्टोरियल, तो उसको मैं यहाँ पे देखें हम डिवाइडेड बाय करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, हम डायरेक्ट ऊपर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, जो एन फैक्टोरियल है स्मॉल एन फैक्टोरियल, उसको मैं ओपन करती हूँ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल तक। फैक्टोरियल का भी स्टूडेंट हम जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बहुत डिटेल के साथ हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, और जो हमारे पास ये वाला टर्म है कैपिटल एन माइनस वन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन माइनस वन,
हम इसको जो है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा ये देखें, हमारे पास ओपन होगा कैपिटल एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस वन फैक्टोरियल इनटू कैपिटल एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो अब आप देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या कि एन माइनस वन फैक्टोरियल स्मॉल एन माइनस वन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, और आप देखें जो कटिंग हो रही है उनको कैंसिल करके एट द लास्ट हमारे पास रिजल्ट आ रहा है एन इंटू के डिवाइडेड बाय एन। और हमारे पास हमने क्या कहा है ये देखिए, हमारे पास क्या है कि पी की वैल्यू है के डिवाइडेड बाय एन, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास म्यू इक्वल है एन इंटू पी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई। स्टूडेंट मीन का तो हमने प्रूव कर लिया, अब हम प्रूव करते हैं वेरिएंस का। वेरिएंस की डिफिनेशन हमें पता है, वेरिएंस हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, ठीक है, वेरिएंस हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट म्यू की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, म्यू का हमें पता है हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो आप देखें एक्स स्क्वायर को हम स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर को हमने इक्वल लिया एक्स एक्स माइनस वन प्लस एक्स के, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन को जो बाहर हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा इसमें हमारे पास एक टर्म आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि हम कर चुके हैं। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आई थी, हमारे पास आए थे एन के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा, आप देखें तो इसको अगर हम फर्स्ट लिख लें यानी एन के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन प्लस और ये वाला टर्म, तो आप देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन हो रही है किस पे, एक्स एक्स माइनस वन पे। तो इसका क्या मतलब, चूंकि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सो सिमिलरली समीशन और समीशन की जो रेंज होगी वो हमारे पास होगी एक्स इक्वल्स टू जीरो अप टू एन, और समीशन के बाद आपके पास आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास है एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स बाय द डिफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। सो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स क्या है, सेम एफ ऑफ एक्स वही फंक्शन है जो हाइपर ज्योमेट्रिक का है हमारे पास, ठीक है, के चूज एक्स एन माइनस के चूज एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन चूज एन। तो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इसको जो है तो एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया। अब आप देखें तो सेम जैसे हमने मीन के लिए किया था, इस फंक्शन को जो है तो हम ओपन कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा। स्टूडेंट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हमारे पास आप देखें ओपन करें फैक्टोरियल को, वो कैंसिलेशन वो सारा करके हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच रहे हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा के माइनस वन इंटू समीशन, अब देखें समीशन यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू टू, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो टर्म कैंसिल होंगे इसलिए एक्स की वैल्यू जीरो के बजाय टू से स्टार्ट होगी। जैसे हमने मीन के लिए किया था वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स टर्म कैंसिल हुआ था, सो हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो से वन तक, जीरो के बजाय हमने वन ली थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो टर्म कट जाएंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो के बजाय टू से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट जो है तो रिजल्ट पुट किए हैं, ठीक है, हम डिटेल पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मीन के लिए किया था
एक्स माइनस टू को यहाँ पे वाई की इक्वल पुट कर देते हैं। वहां पे हमारे पास एक्स माइनस वन था, सो एक्स माइनस वन को वाई की इक्वल किया था, यहाँ पे एक्स माइनस टू को वाई के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास जो चेंजेस आएंगी वो यहाँ पे स्टूडेंट वाई इज इक्वल टू जीरो और n की बजाय हो जाएगा n माइनस टू। तो ये वो चेंजेस है जो y की वजह से आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय n चूज स्मॉल n। तो सेम यहाँ पे स्टूडेंट जो जैसे हमने प्रीवियस मीन फाइंड करने के लिए जो हमने वो रिजल्ट पुट किया था कि समीशन यहाँ से आपके पास ये देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वो रिजल्ट हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा आप देखें। एन डिवाइडेड बाय एन चूज एन, ठीक है। ये हमारे पास सेम उसी तरीके से आया है। अब हमने सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट हमारे पास ये जो एन एन माइनस टू चूज एन माइनस टू डिवाइडेड बाय एन चूज एन हमारे पास है, इसको जो है तो ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट। इसको ओपन करने के लिए हमारे पास क्या आएगा आप देखें, सेम उसी तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट जो है तो वो पुट कर देते हैं। स्टूडेंट हमने ये फैक्टोरियल जो कॉम्बिनेशन है उनको ओपन किया है और वो सारा कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यू हो गई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर की, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ इसको जो है तो पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या था जो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है वो इक्वल है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हमारे पास क्या आएगा, माइनस ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास है एन के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, हमने इससे पहले प्रूफ किया है। तो इसका आपने ले लेना है होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एलसीएम अगर हम यहाँ पे लें और तमाम कैलकुलेशन जो हमारे पास बन रही है वो करने के बाद एट द लास्ट हमारे पास क्या जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया सिग्मा स्क्वायर। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एन के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन स्क्वायर हमारे पास है। अगर एक एन हम एन के डिवाइडेड बाय एन के कर लें तो आप देखें हमारे पास ये बन जाएगा और k डिवाइडेड बाय कैपिटल n की जगह p आ जाएगा, ठीक है। और एक n जो रह जाएगा वो देखें तो n माइनस k डिवाइडेड बाय n के नीचे अगर आप लिख लें तो हमारे पास इक्वल है q के, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा q और जो ये वाली टर्म हमारे पास है वो एज इट इज आ जाएगी जो कि हमारे पास वैल्यू है वेरिएंस की। सो स्टूडेंट ये भी हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को मीन और वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ करके दिया है कि मीन हमारे पास होता है एन पी के इक्वल और वेरिएंस हमारे पास इक्वल होता है एन पी क्यू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग को इनकी इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है उसकी तरफ मूव करते हैं। इफ एन बिकम इनडिफिनेटली लार्ज द हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी अब देखें हमारे पास क्या है कि अगर एन जो है कैपिटल एन हमारे पास क्या इंडिफिनिटली लार्ज हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास अप्रोच करती है किस तक, किस डिस्ट्रीब्यूशन को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब हमारे पास कैपिटल एन जो है यानी पॉपुलेशन साइज लार्ज हो जाए तो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल बन जाती है, ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्पेशल केस हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो स्टूडेंट ये वाली प्रॉपर्टी जो है कि आपके पास जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एमसीक्यूज और या फिर किसी भी इंटरव्यू में आप जाएं तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं कि अगर एन को लार्ज कर दे तो हाइपर ज्योमेट्रिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक क्या बन जाता है, वो हमारे पास बाइनोमियल के जैसे दिखना शुरू हो जाता है।